फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि टिल देन और बाय देन क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम टिल देन और बाय देन को कैसे इस्तेमाल करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। फ्रेंड्स, टिल देन और बाय देन का मतलब होता है तब तक। जैसे अगर आपको कहना हो मैं तब तक जा चुका था, तो आप कहेंगे आई हैड गॉन टिल देन या आई हैड गॉन बाय देन। अगर आपको कहना हो कि वह तब तक आ चुकी थी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी हैड कम टिल देन या सी हैड कम बाय देन। वे तब तक काम कर चुके थे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दे हैड वर्कड टिल देन या दे हैड वर्कड बाय देन। चाहे आप टिल देन कहें या बाय देन, दोनों का मतलब होता है तब तक। अगर आपको कहना हो कि तब तक मैं वहां पहुंच जाऊंगा, तो आप कहेंगे आई विल रीच देयर टिल देन या आई विल रीच देयर बाय देन। वह तब तक इंग्लिश सीख लेगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही विल लर्न इंग्लिश टिल देन या ही विल लर्न इंग्लिश बाय देन। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको ये बात समझ में आया कि जब आपको कहना हो तब तक, तो आप टिल देन या बाय देन का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।